रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। भारत में करीब 40,000 शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिन्हें भारत वापस भेजने का प्लान तैयार कर रहा है। वहीं रोहिंग्या मुसलमान वापस जाने के लिए तैयार नहीं है और भारत सरकार से देश में रहने देने की गुहार लगा रहे हैं। अब आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि ये रोहिंग्या मुसलमान कौन है और क्यों ये पलायन कर यहाँ आए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है। म्यांमार में करीब 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमान खुद को अरब और फारसी व्यापारियों का वंशज मानते हैं। रोहिंग्या मुसलमान रोहिंग्या भाषा में बात करते हैं, जो बांग्लादेश की बांग्ला से काफी मिलती जुलती है। म्यांमार में बौद्ध बहुसंख्यक है, जो रोहिंग्या को अवैध प्रवासी मानते हैं। म्यांमार की सरकार रोहिंग्या को राज्य विहीन मानती है और उन्हें नागरिकता नहीं देती। म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। म्यांमार में कट्टरपंथी बौद्ध संगठनों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच कई बार खूनी झड़प भी हो चुकी है। साल 2012 में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्धों के बीच भारी हिंसा हुई थी, जिसके बाद 1 लाख रोहिंग्या मुसलमानों ने पलायन किया था। साल 2015 में रोहिंग्या मुसलमानों का एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। आपको बता दें कि भारत के अलावा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।